हेलो नमस्कार, महतो ज्ञान टेक्निकल चैनल 2.0 में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट वन है। इसमें हम सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ टूल दिया गया है, किस टूल का क्या इस्तेमाल है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और आने वाले अगले पार्ट में हम हर एक को बारीकी से जानेंगे और उसका यूज़ करके हम देखेंगे कि उसको कैसे वीडियो एडिटिंग में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, वो हम कैमटासिया सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कैमटासिया। ठीक है, कैमटासिया सर्च करेंगे सबसे पहला वेबसाइट आएगा techsmith.com करके, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से वेबसाइट खुल के आ जाता है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये पेड वर्जन में भी है और फ्री ट्रायल आपको 1 मंथ के लिए मिलता है, तो आप इसको फ्री ट्रायल के लिए यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके पास पीसी है, कंप्यूटर है, तो आप विंडो डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं, विंडोज़ डाउनलोड, या आपके पास मैकबुक है तो आप यहाँ मैक डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ विंडोज़ डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, तो हमारा जो है ये सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड होने लग गया है। ठीक है, तो मैंने इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और आगे बताता हूँ आपको सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं उसके ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर हम न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो जब ये सॉफ्टवेयर खुलता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ जो आपको मेन फ्रेम दिख रहा है, इसमें आप जब वीडियो जो एडिट करते हैं तो इसमें आप इसको उसको प्ले करके देख सकते हैं जो मेन फ्रेम है। यहाँ आप साइड में देखेंगे तो ऊपर सबसे पहले फाइल का ऑप्शन है, फाइल में काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट को बना सकते हैं या ओपन प्रोजेक्ट दिया गया है, और इसमें काफ़ी सारे और मेन्यू इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। उसी तरह से इसमें एडिट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसको हम आने वाले वीडियो में बारीकी से समझेंगे। ऊपर इसमें मॉडिफाई, व्यू, शेयर और हेल्प, यहाँ काफ़ी सारे हैं। वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे आपने वीडियो एडिट कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ शेयर पे जा करके लोकल फाइल में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसे जहाँ भी आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आप नीचे देखेंगे तो यहाँ मीडिया विन करके ऑप्शन आ रहा है जिसमें हम अपने फाइल को जो है इंपोर्ट करते हैं, जो हमें एडिटिंग में मान लीजिए कि कोई बैकग्राउंड साउंड की ज़रूरत है या हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है उसको एडिट करना है, तो हम उसको यहाँ इंपोर्ट मीडिया में क्लिक करके यहाँ पर हम उसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ देखेंगे तो साइड में एक लाइब्रेरी का ऑप्शन है जिसमें कैमटासिया की तरफ से काफ़ी सारे जो है इसमें चीज़ें दी गई हैं, जैसे बैकग्राउंड दिया गया है। इसको मैं एक बार प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें अगर आपको वीडियो के बैकग्राउंड की ज़रूरत है तो आप यहाँ से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आइकन भी दिए गए हैं, अगर आपको वीडियो में किसी तरह का आइकन की ज़रूरत है तो आप उन आइकन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको क्रेडिट वेडिट देने के लिए आपको वीडियो के बीच बीच में कुछ जैसे चाहिए होता है तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। बाकी हम साइड में बात करें तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है एनोटेशन का है, ये सभी जो है इन सभी टूल को हम आने वाली वीडियो में देखेंगे बहुत बारीकी से, इन सभी का इस्तेमाल कैसे वीडियो एडिटिंग में किया जाता है। तो आप इस वीडियो को बस देखिए और समझिए कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इन सभी ऑप्शन को मैं आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में जो है बहुत बारीकी से समझाऊंगा और आप भी जो है एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, या आप अपने क्लाइंट के लिए भी आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो ये ट्रांजिशन का दिया गया था जो आप वीडियो में लगा सकते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट। यहाँ बिहेवियर दिया गया है जो है इसमें टेक्स्ट का बिहेवियर आप इसमें ऐड कर सकते हैं या वीडियो का भी बिहेवियर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नीचे एनिमेशन दिया गया है, इसका भी इस्तेमाल हम देखेंगे वीडियो में, इसका इस्तेमाल बहुत एक अच्छे क्वालिटी को वीडियो बनाने के लिए आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन है कर्सर इफेक्ट, इसमें आप कर्सर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है और उसको एडिट कर रहे हैं तो। यहाँ वॉइस नरेशन का ऑप्शन मिलता है जिसे अगर आप वीडियो में ओवर ऑडियो देना चाहते हैं, ओवर वॉइस करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ से दे सकते हैं।
यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट दिया गया है जिसमें आप ऑडियो को जो है नॉइज रिमूव कर सकते हैं या वॉल्यूम लिविंग कर सकते हैं या फेड आउट फेड इन या जो है क्लिप का स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ जो है एक विजुअल इफेक्ट दिया गया है, विजुअल इफेक्ट में जो है काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ड्रॉ शैडो बॉर्डर क्लिप स्पीड, इन सभी जो जितने भी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इनको मैं एक एक करके इस्तेमाल करके आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि आप इसमें कंप्लीट जो है वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और नीचे हम देखेंगे तो नीचे यहाँ टाइमलाइन दिया गया है। टाइमलाइन में जो है हम वीडियो को रखते हैं और इसमें एडिट किया जाता है। जैसे यहाँ ट्रैक वन दिया गया है तो ट्रैक वन में आपको जो है जैसे आपने कोई बैकग्राउंड रखा, फिर यहाँ जो है ट्रैक टू ऑटोमेटिक आ जाता है, फिर ट्रैक टू में आपने जैसे यहाँ से मैं कोई एक क्लिप यहाँ से इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, जैसे हमने इसको ट्रैक वन पे रखा ठीक है, और दोबारा से हमें जैसे कोई चीज़ चाहिए तो मैं जैसे यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इसमें एक डेमो करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे वाला ट्रैक जो हमने नीचे ऐड किया था वो शो नहीं कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड जो है उसको कवर कर ले रहा है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, इसको ऊपर रखना है तो शो कराना है तो उसको ऊपर रखेंगे और लेयर को नीचे रखेंगे, मतलब जो लेयर नीचे रहेगा और उसने कवर कर रखा है पूरे ऊपर के फेस को तो वो जो है अगर छोटा है नीचे वाला कोई चीज़ शो करने के लिए तो वो शो नहीं करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको ऊपर किया तो जो है ये शो होने लग गया है ठीक है। इसमें और काफ़ी सारे आप इसको जो है इन सभी चीज़ों को मैं काफ़ी सारे बहुत बारीकी से समझाऊंगा आने वाली वीडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है साइड में जो है ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो है एक कैची दिया गया है जिसमें अगर आप वीडियो को जैसे कट करना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक देखा तो अगर इसमें कोई गलती है तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं। अगर आपको बीच वीडियो के बीच में कट लगाना है तो यहाँ से आपको सिंपल कट सिर्फ देना है, वीडियो कट करके हटाना नहीं है, सिर्फ कट देना है। तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं वीडियो को दो हिस्सों में। तो आने वाले वीडियो में हम इसका कम्प्लीट एक वीडियो ट्यूटोरियल लेके आएंगे जिसमें हम अगला पार्ट आप देखेंगे तो इसमें हम इन सभी चीज़ों को जो है बारीकी से देखेंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक एक ऑप्शन को बहुत बारीकी से समझेंगे और आप भी एक जो है प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले ट्यूटोरियल में जो हमारा होगा पार्ट नंबर 2। तो इसी तरह के वीडियो आप देखने के लिए आप महतो गेन टेक्निकल चैनल 2.0 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।